हेलो दोस्तों, आपके लिए अनदर वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मतलब 13 फरवरी 2020 के लिए निफ्टी के लिए क्या संभावना हो सकती है, मतलब निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे, या बैंक निफ्टी में क्या लेवल अपन को निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट है, ये अपन ये इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया है, इसको प्रेस करके और उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन को प्रेस करके जैसे मैं और इस तरह की वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए अपन जैसे कि देख सकते हैं कि मतलब निफ्टी क्लोज हुआ 9101 पे, मतलब 363 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, जबकि 9 अप्रैल को ये क्लोज हुआ। जैसे कि तीन दिन छुट्टी थी, इसकी वजह से जो न्यूज़ बेस वगैरह US मार्केट ग्लोबल मार्केट उस हिसाब से अपन देखेंगे कि मार्केट में अब क्या क्या हो सकता है, कैसे मूवमेंट कर सकते। तो पहले अपन देखते हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से अपन देखेंगे सपोर्ट क्या मिलता है, क्या रेजिस्टेंस लेवल्स मिलता है, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और कहाँ पे कम। जैसे कि इधर देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी मैंने अगर ऑप्शन मतलब एक्सपायर देखोगे 16 अप्रैल का मैंने ऑप्शन स्टडी लगाया है। तो जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अपन चेक करेंगे कि फर्स्ट साइड में कॉल साइड में, मतलब कॉल साइड में कहाँ पे अपन को रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी 9100 के इधर अपन को क्लोजिंग मिल रही है। अगर देख सकते हो 9100 का जो कॉल्स है वो अपन इन द मनी मान सकते हैं। उस पे साइड उसी साइड देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट अपन को 19,01,325 का अपन को ओपन इंटरेस्ट वहीं पे दिखाई देता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखें तो 1,42,000 का वहीं पे देखने को। उसके आगे अगर अपन सपोर्ट देखते हैं तो 9,200 का लेवल है, वहाँ पे भी बहुत बड़ा अपन को ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है। जैसे कि देख सकते हैं कि अपन 21,06,000 का अपन को इधर एक OI खड़ा होके दिखता है। उसके आगे अगर अपन गए तो मोस्टली सबसे ज़्यादा OI यहाँ खड़ा है कॉल पे साइड पे, तो देख सकते हैं कि 9500 का जो लेवल है, मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हार्ड रेजिस्टेंस अपन को दिखता है 9500 की लेवल पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 85 लाख 9000 का OI ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। और इस हिसाब से अपन ऑप्शन चेन में अगर ऊपर की तरफ देखा तो 9200 और 9500 का अपन को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से अपन पुट के बारे में देखें, अगर पुट के नीचे देखें तो पुट के इधर अपन को कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा खड़ा दिखाई दे रखता है, तो 9000 का जो एक सपोर्ट है, 9000 की जो लेवल है वहाँ पे अपन पुट में देखें तो 57,06,450 का अपन ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ पे दिखाई देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 9000 का जो लेवल्स है, तो लोगों का मान के चल रहा है कि 9000 का जो लेवल है वो बहुत तगड़ा सपोर्ट एक अपने के लिए हो सकता है। उसके बाद में अगर देखें तो डायरेक्टली अपन को 8500 का लेवल और 8600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के दौरे में दिख सकता है। उसके बाद में तो पहला अपन को सपोर्ट में सबसे ज़्यादा 9000 का लेवल ही, अगर 9000 का लेवल तोड़ देता है कल निफ्टी तो उसके बाद में अपन को 8800 के लेवल्स तो तक 200 पॉइंट तक अपन को गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर 9100 का लेवल होल्ड करता है तो अपन को डायरेक्टली मूव फर्स्ट टू 9200 और उसके बाद 9300-400 के तक अपने को वो करने तक देख सकता है। और जैसे कि अपन देख सकते हैं ग्लोबल्स मार्केट, जैसे कि आप देख सकते हैं डाउ का जो इंडेक्स है, जो US मार्केट के जो सब इंडेक्स देख रहे हैं, तो ये सभी पॉजिटिव में क्लोज हुए। इसका रीज़न क्या है कि उन्होंने बहुत बड़े पैकेज उनको ऐलान कर दिए कि उन्होंने सब सेक्टर के लिए बड़े बड़े पैकेज किए थे। और जैसे कि अपने FIs की एक्टिविटी भी देख सकते हैं, तो अपने मार्केट में FIs ने बहुत बड़ी बाइंग इंडेक्स में की हुई, तो उसकी वजह से अपना जो निफ्टी था वो 300 पॉइंट तक बढ़ा था। तो अपन कल देखते हैं कि ये मार्केट मतलब डाउ का मार्केट भी कितना पॉजिटिव मूवमेंट करता था। SGX निफ्टी अगर जैसे कि अपन आपको दिखाता हूँ, SGX निफ्टी भी अगर देखें तो SGX निफ्टी ने अपने बाद में जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग हायर लेवल पे दी है। तो हायर लेवल पे देखने के कारण अपन को ये पता चला, जैसे कि आप देख सकते हो SGX निफ्टी का हाई जो है 9233 और 9165 के इधर उसने क्लोजिंग दी। तो कल अपन को ये फर्स्ट मॉर्निंग में देखना पड़ेगा SGX कहाँ पे ओपन होता है, किस हिसाब से SGX में क्या SGX गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, उसके हिसाब से अपन अपना मार्केट प्री ओपन में देख सकते हैं कि अपना मार्केट भी कैसे रह सकता है, गैप अप रह सकता है, गैप डाउन रह सकता है, ग्लोबल इंडेक्सेस कैसे, क्या बड़ी अच्छी न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, उसके हिसाब से भी अपन देख सकते हैं। अगर अपन चार्ट पे देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट देखें,
जैसे कि आपने पहले आपने क्या क्या ऑप्शन ऑप्शन चेंज एनालिसिस के बाद में निफ्टी का ऑप्शन चेंज एनालिसिस किया, उसके बाद में आप निफ्टी देखते हैं। तो निफ्टी का जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जो जैसे कि देख सकते हैं मेरे यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन लग रही है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अपन को सपोर्ट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया 8000 पे, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया और ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद जैसे कि आप ऑप्शन चेंज से 9000 का देख सकते हैं, तो मार्केट ने अभी कैंडल बनाया तो ऊपर तक जा सकता है 9000 के 500 तक जो लेवल है, तो इधर जा सकता है। इधर से अपन को डायरेक्टली एक डाउनवर्ड मिल सकता है, अगर डाउनवर्ड मार्केट इधर आए तो एक अपन का 8500 लेवल, उसके बाद में 8000 का लेवल तोड़ के बाद में कुछ दिनों में और डाउनवर्ड्स अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो चलो अपन ऑप्शन की चेन एनालिसिस से बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स अपन को इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ मैंने बैंक निफ्टी 16 अप्रैल का जो एक्सपायरी है उसको लगाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट अपन देखेंगे कॉल साइड में कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस खड़ा दिखाई मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 77600 के ओपन इंटरेस्ट अपन को 21000 के लेवल पे दिखता है, उसके नीचे अगर देखिए 20000 का जो लेवल है यहाँ पे अपन को ओपन इंटरेस्ट 75 का दिखता है, और उससे मतलब जो भी सबसे ज़्यादा अगर देखे तो 21000 का जो लेवल है वहाँ तक अपन को एक तगड़ा मतलब रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। मोस्टली अगर अपन देखें पूरा डाटा तो नीचे देखें कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखे तो पुट साइड में, जो देख सकते कि लोगों का कहना कि बैंक निफ्टी नीचे ही रहेगा, तो देखते हैं कि पुट साइड में कहाँ सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अपन को दिखाई मिलता है, कि कहाँ अपन को सपोर्ट देखने। फर्स्ट सपोर्ट तो अपन देखे कि अपन को देखने को मिलता है कि 9000 का 9500 का लेवल, जिसके ऊपर 68000 की ओपन इंटरेस्ट अपन को जुड़ने को देखने को मिलता है। उसके नीचे अगर स्ट्रांग अपन सपोर्ट देख सकते हो 90000 का जो लेवल है वहाँ पे 1,24,240 का ओआई इंटरेस्ट उनको खड़े देखने को मिलता है। अगर बैंक निफ्टी में सपोर्ट ऑप्शन चेंज जाते से देखे तो 19000 का जो लेवल है वो, उसके बाद में 19500 और उसके बाद में 20000 का ये उनको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। जैसे कि अपन बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, चलो वैसे जैसे मैंने निफ्टी पर चार्ट ड्रॉ किया वैसे ही बैंक निफ्टी का चार्ट भी, जैसे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो अगर अपन सपोर्ट देख सकते हैं तो यहाँ अपने बैंक निफ्टी ने 17000 को सपोर्ट लिया, उसके बाद उसने क्लोजिंग दी 19900, जैसे कि 20000 अगर कल 20000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर देता है तो अपन को एक 21500 का मतलब 500 पॉइंट की अपन को अपसाइड मूव देखने को मिलती है निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में। तो इधर से अगर रिवर्सल हो गया तो अपन को कुछ ही दिनों में एक डाउन ट्रेंड भी इधर देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्लोबल इंडेक्सेस कैसे रखते हैं, क्या अपने को क्लोजिंग मिलती है, क्या गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, इसकी हिसाब से अपन कल अपन ट्रेंड पता लगा सकते हैं कि क्या निफ्टी ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं, जैसे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देख के अपन सब देख के अपन उसका प्रेडिक्शन लगाएगा। जैसे कि आज आपने क्या देखा वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, कौन सा पैटर्न इधर ड्रॉ हो रहा है, और ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से अपन उधर ओआई इंटरेस्ट देख के मतलब कहाँ कॉल राइटिंग हुए, कहाँ पुट राइटिंग हुई, उसके हिसाब से अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बारे में जानकारी ली। तो आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि और इस तरह की निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की डेली वीडियो मैं लाता रहता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए।